भावलोक, बहुत लंबे समय से डिमांड थी एगन्स कॉनक्वेस्ट पर वीडियो लाने की, तो आज वो दिन आ गया है जहां एगोन दी कॉन्करर की पूरी कॉन्क्वेस्ट जर्नी के बारे में बात करेंगे। कितनी तबाही, कितनी मारकाट इस बंदे ने मचाई सातों किंगडम की लालच में, यानी उनको जीतने की लालच में। तो वीडियो दो पार्ट में आएगी, पहले ही इन्फॉर्म कर दूं। इसी के साथ एगोन दी कॉन्करर की लाइफ लाइन, उसका ओरिजन एंड पावर एक्सप्लेनेशन वीडियो पहले ही चैनल पर अवेलेबल है और उसे भी दो पार्ट में कंप्लीट कर दिया गया है। तो एगोन की लाइफ बायोग्राफी यहां डिस्कस नहीं करी जाएगी। इस वीडियो में सिर्फ कॉन्क्वेस्ट जर्नी को फॉलो करेंगे, सिर्फ एगोन की तबाही। उससे पहले ही आपको बता दूं, एगोन द कॉन्करर ने 7 में से 6 किंगडम को जीता था, डॉन को नहीं जीता था। उसके साथ ट्रीटी हुई थी एट द एंड, जहां इस कॉन्क्वेस्ट जर्नी में उसकी सिस्टर एंड वाइफ विसेनिया टारगेरियन एंड रेनिस टारगेरियन दोनों ने भर भर कर साथ दिया था और अपने तीनों ड्रैगन से ही पूरे वेस्टरोस को कब्जे में लिया था एगोन द कॉन्करर ने, यानी बलेरियन, मेराक्सिस एंड वेगा ड्रैगन, जहां बलेरियन द ब्लैक डेड एगोन टारगेरियन का ड्रैगन था। टारगेरियन हिस्ट्री का लार्जेस्ट एवर ड्रैगन, ऑल्सो बहुत खूंखार और गुस्सेल ड्रैगन। रेनिस टारगेरियन का मेराक्सिस ड्रैगन था, जो सेकंड लार्जेस्ट ड्रैगन है टारगेरियन हिस्ट्री में। देन विसेनिया टारगेरियन का वेगार ड्रैगन है, जो थर्ड लार्जेस्ट ड्रैगन है टारगेरियन हिस्ट्री का। वेगार की क्रुएल्टी से हम सब अवगत हैं ही हैं, जो हमें अभी डांस ऑफ द ड्रैगन इवेंट में देखने को मिल ही रहा है। और कहा जाता है कि ये तीनों ड्रैगन जिस राज्य के ऊपर से उड़ जाते थे, अच्छे अच्छे राजाओं का मुंह निकल जाया करता था। तो बाबू, वीडियो शुरू करने से पहले ही आपको बता दूं, रोड मैप ऑफ एगोन्स कॉन्क्वेस्ट जर्नी, जिसमें ये टॉपिक कवर करे जाएंगे, एगोन्स लैंडिंग, बैटल इन द वाटर्स ऑफ गलटाउन, बर्निंग ऑफ हेरनहॉल, कॉन्क्वेस्ट ऑफ स्टॉमलैंड्स, सबमिशन ऑफ क्रॉकलो पॉइंट, कॉन्क्वेस्ट ऑफ वेस्टरलैंड्स एंड द रीच, सबमिशन ऑफ द नॉर्थ यानी स्टार्क्स का सबमिशन, सबमिशन ऑफ द वेल, इन्वेजन ऑफ डॉन, सबमिशन ऑफ ओल्ड टाउन एंड क्राउनिंग बाय द फैथ। तो ये 10 इवेंट सिचुएट होते हैं इस पूरी कॉन्क्वेस्ट मारकाट जर्नी के दौरान। उससे पहले ब्रीफली बात कर लेते हैं कि ये सब स्टार्ट हुआ कैसे आखिर। हालांकि ये सब मैंने प्रीवियस वीडियो में भी डिटेल में बता रखा है। बाबू, आफ्टर द डूम ऑफ वलेरिया, एनआर टारगेरियन अपनी फैमिली सहित ड्रैगन स्टोन पर आकर रहने लगता है और यहां से एगोन की जर्नी शुरू होती है, जिसने स्टार्टिंग में सेंचुरी ऑफ ब्लड वॉर के दौरान एसोस की फ्री सिटी पेंटोस एंड टायरोस की हेल्प करी थी वैलेंटिनी इन्वेजन को नष्ट करके अपने ड्रैगन बलेरियन द ब्लैक ड्रीड से, और यहां से पेंटोस ट्रस्टेबल अलायंस बना टारगेरियंस का। उसके बाद एगोन के मुंह में खून लग चुका था बैटल्स का, जिसके पास द बीस्ट सेविज ड्रैगन बलेरियन द ब्लैक ड्रीड का एडवांटेज था और उसने पूरे वेस्टरोस में सातों किंगडम को एक साथ लाने का निर्णय लिया, जिसका एक रूलर होना चाहिए यानी वो खुद। और कॉन्क्वेस्ट से पहले उसने ड्रैगन स्टोन्स पर एक वुडन टेबल भी बनवाई, जिसमें पूरे वेस्टरोस यानी सेवन किंगडम का मैप था, जिसे देखकर वो इंस्पायर भी होता गया हर दिन। और इस टेबल को हाउस ऑफ द ड्रैगन एंड गेम ऑफ थ्रोन्स में भी हमने देख ही रखा है। उसके बाद एगोन ने रेवन्स भिजवाए सभी राज्यों के पास, जो घुटने टेकेगा तबाही से बचेगा, जो आंख दिखाएगा नष्ट कर दिया जाएगा, यानी आंख दिखाएगा मादर जात वाला, ये वाला एटीट्यूड। इस पर डॉन प्रिंसेस मारिया मार्टेल ने अलायंस की मांग करी, लेकिन एगोन ने रिजेक्ट किया इस ऑफर को। सेम अलायंस की बात वेल की सारा एरिन ने भी करी, बट उसे भी रिजेक्ट किया। तब एगोन का यहां दिमाग ठनका और उसने अपनी छोटी आर्मी, मात्र 1600 की आर्मी के साथ ये निकला था अपने राज्य से, और अपनी बहन सहित तीनों ड्रैगन को लेकर तैयार हो चुका था। एंड यहां स्टार्ट होता है कॉन्क्वेस्ट का पहला पड़ाव, एगोन्स लैंडिंग इवेंट सिचुएट होता है। जंग शुरू हुई 2 BC में, जब एगोन ब्लैक वाटर रस के द्वार पर वुडन एगोन फोर्ट बनवाया, जो पहले पड़ाव था मेन लैंड ऑफ वेस्टरोस का, जहां एगोन के साथ हाउस कैल्डिगर, हाउस मैसी एंड हाउस वलारियन ने भी साथ दिया था। एंड यहां फर्स्टली हाउस रॉसबी एंड हाउस स्टॉकवर्थ को घोड़ी बनाया गया रेनीज और विसेनिया के द्वारा। जब वेगार ने स्टॉकवर्थ की छत में बैठ के आग बरसाई है, दोनों हाउस ने घुटने टेक दिया। दूसरी तरफ लॉर्ड डार्कलिन ऑफ डस्कनडेल एंड लॉर्ड मूटन ऑफ मेडनपूल मिलकर 3000 लोगों की आर्मी के साथ एगोन की तरफ चढ़ाई कर दी थी, जिनकी आर्मी से भिड़ने के लिए ऑरिस बराथियन को कमांडर बनाया गया और हवाई फायर खुद एगोन ने अपने ड्रैगन बलेरियन द ब्लैक ड्रीड से करी थी। दोनों लॉर्ड को मारने के बाद डस्कनडेल एंड मेडनपूल दोनों ने घुटने टेक दिए। एंड यहाँ फर्स्ट टाइम क्राउनिंग करी गई एगोन टारगेरियन की विसेनिया और रेनिस टारगेरियन के द्वारा, एज किंग ऑफ ऑल वेस्टरोस, ऑल फर्स्ट ऑफ हिज नेम एंड शील्ड ऑफ हिज पीपल। देन इवेंट सिचुएट होता है बैटल इन द वाटर्स ऑफ गलटाउन। एगोन ने गलटाउन पर कब्जा करने के लिए डेमन वलेरियन की कमांडिंग में एक टुकड़ी भेजी, जिसे विसेनिया अपने ड्रैगन वेगार से सपोर्ट कर रही थी, लेकिन एरिन आर्मी ने टारगेरियन फ्लीट को नष्ट कर दिया, जिसमें डेमन भी मारा गया। लेकिन विसेनिया ने वेगार से उनकी पूरी सेना एंड शिप्स को तबाह कर डाला था। एंड यहाँ 3 सिस्टर्स टूट गई और हाउस एरिन को अकेला छोड़ दिया, और यहाँ बाकी लॉर्ड्स ने भी घुटने टेक दिए। उसके बाद नॉर्थ वेस्ट को मार्च करते वक्त एगोन द कॉन्करर गॉड्स आई के पास जब पहुंचा, तो बैटल ऑफ द रीड्स में हेरनहॉल के महाबली किंग
हैरन हवारे की आर्मी ने धोखे से एगोन की टुकड़ी पर हमला किया, जिससे टारगेरियंस को काफी लॉस भी हुआ था। देन अगेन हैरन आर्मी ने एक और हैवी अटैक किया वेलिंग विलोज में, जो अभी टारगेरियन संभल भी नहीं पाए थे पहले हमले के वार से। लेकिन इस बार हैरन द ब्लैक का लड़का जो था आर्मी को कमांड कर रहा था, एगोन ने पूरी आर्मी सहित उसके बेटे को भी जला दिया था। और तब सिचुएट होता है बर्निंग ऑफ हैरन हॉल इवेंट, जो अभी तक एगोन बहुत खिसियाया हुआ था, बहुत खिसिया चुका था, और हैरन हॉल के गेट पर पहुंचता है, जहां एक नया किला यानी हैरन हॉल की ऊंची ऊंची दीवारें और लंबी मीनारें बादलों को चूम रही थी, और हैरन होवारे से पीसफुल घुटने टेकने पर एगोन की रिक्वेस्ट करने पर भी। लेकिन हैरन होवारे का कॉन्फिडेंस अलग लेवल पर था, अपने नए बने किले जिसकी मजबूती बहुत सॉलिड थी, उसका घमंड में एगोन को सिर्फ मना नहीं किया, डिसरिस्पेक्ट भी किया। और यहाँ तक आते आते रिवरलैंड के काफ़ी लॉर्ड पहले ही घुटने टेक चुके थे एगोन के सामने, क्योंकि हैरन होवारे ने बाकी लॉर्ड्स को यानी बाकी के बैनर मैन को हैरन हॉल को डिफेंड करने के लिए समन किया था, बट कोई नहीं आया। एंड हैरन होवारे की इस डिसरिस्पेक्टफुली ऑफर को ठुकराना देख कर एगोन को बहुत गुस्सा भी आया। उसने एक मौका फिर दिया कि रात होने तक इस किले को मैं बर्बाद कर दूंगा इससे पहले कि तुम सरेंडर कर दो, यानी जिसके दम पर तू चौड़ मार रहा है मैं इस पूरे किले को तबाह कर दूंगा। और बाबा, ये जो किला कहा जाता है कि 40 साल बाद कंप्लीट करा गया था, उसे एगोन ने ऐसा रौंदा है, ऐसा जलाया है, पहली बार लोगों ने पत्थरों को पिघलते हुए देखा था। कहते हैं कि हैरन हॉल की ऊंची ऊंची दीवारें कैंडल्स की तरह पिघला रहा था बलेरियन अपनी आग से, जिसका ऐसा रौद्र रूप अभी तक किसी ने देखा नहीं था। बलेरियन द ब्लैक ब्रीड की आग बिल्कुल लाल नहीं निकल रही थी, काले अंधेरे से घिरी भयानक आग निकल रही थी। लॉर्ड ऑफ द रिंग्स में आपने बैलरॉग देखा होगा, बिल्कुल वैसे। एंड एगोन ने यहां पूरे हुवारे ब्लडलाइन को खत्म कर दिया, जो भी किले में था, बच्चे बूढ़े जो भी था, सबको जला दिया एक लाइन से, और किला को तबाह कर दिया। जो हमने गेम ऑफ थ्रोन्स में एंड हाउस ऑफ द ड्रैगन में भी देखा था, वो टूटा फूटा चरमराया हुआ हैरन हॉल का किला। देन बाबा, एगोन और उसके ड्रैगन बलेरियन का ऐसा भयानक रूप देखकर रिवरलैंड के सारे लॉर्ड्स ने घुटने टेक दिए। बर्निंग ऑफ हैरन हॉल इवेंट एक एग्जाम्पल के रूप में वेस्टरोस में फैलने लगा, और इस इवेंट के बाद बहुत लोगों ने एगोन का नाम मात्र से ही घुटने टेकने शुरू कर दिए, खासकर रिवरलैंड के लॉर्ड्स। उसके बाद एडमिन टली को रिवरलैंड का लॉर्ड बनाया गया, जहां के सारे लॉर्ड्स उसके अंडर में सर्व करेंगे, और एडमिन टली टारगेरियंस के अंडर में सर्व करेगा। और यहां एगोन को लॉर्ड पैरामाउंट ऑफ द ट्राइडेंट का खिताब भी नवाजा गया, यानी इस खिताब से। और जो भी तलवारें इकट्ठी करी जा रही थी दुश्मनों की, उन्हें एगोन फोर्ट पर भिजवा दिया गया, ताकि आयरन थ्रोन बनाया जा सके, जो हमने गेम ऑफ थ्रोन्स में भी देखा है और हाउस ऑफ द ड्रैगन में भी देखा है। उसके बाद इवेंट सिचुएट होता है कॉन्क्वेस्ट ऑफ स्टॉर्मलैंड्स, एंड हैरन हॉल की तरह स्टॉर्मलैंड्स भी काफी ताकतवर और टक्कर देता है एगोन आर्मी को, क्योंकि स्टॉर्मलैंड्स पर कब्जा करने के लिए ऑरिस बराथियन को भेजा गया था, क्वीन रेनिस टारगेरियन उसका ड्रैगन मेराक्सेस के साथ। लेकिन स्टॉर्म किंग आर्गिलेक डुरंडन अपने सभी बैनरमैन को बुलाकर काफी प्रिपेयर हो चुका था, जब एगोन हैरन हॉल से निपट रहा था, जिसकी आर्मी में स्टेपस्टोन्स के पायरेट्स भी थे एंड डॉर्निसमैन फ्रॉम द रेड माउंटेन भी थे। अच्छा, आर्गिलेक डुरंडन पहले से ही खिसियाया हुआ था एगोन से, वो इसलिए क्योंकि उसने अपनी बेटी का रिश्ता भेजा था एगोन को, लेकिन एगोन ने मना कर दिया था, और ऑरिस बराथियन के लिए उसकी बेटी का हाथ मांगा, तब जाके आर्गेलिक पहले ही चढ़ा हुआ था। इसके बाद लॉर्ड एरोल, लॉर्ड फेल एंड लॉर्ड बकलर आर्गेलिक के ऑर्डर पर ऑरिस की आर्मी की तरफ बढ़ गए, जो स्टॉर्मलैंड्स को आ रहे थे, उन्हें रास्ते में ही रोकना चाहा, और स्टॉर्मलैंडर्स ने यानी स्टॉर्मलैंडर्स आर्मी ने वेंडवाटर में ही उन्हें रोकना चाहा। और इस अचानक से अटैक से ऑरिस बराथियन की आर्मी को काफी नुकसान हुआ, जिन्हें फिर रेनिस टारगेरियन ने मेराक्सेस से जला भी डाला। उसके बाद ऑरिस को खबर मिली कि भयंकर तूफान आने वाला है, और इसी बीच आर्गिलिक इन पर अटैक करके तूफान का फायदा उठाकर इन पर अटैक करेगा। तब ऑरिस बराथियन ने साउथ हिल के ब्रॉन्ज गेट पर एक मजबूत किला बनाया, तूफान एंड स्टॉर्मलैंडर्स आर्मी का वेट करने लगा वहां पर, जहां स्टॉर्म किंग आर्गिलेक ने 3 बार लगातार अटैक किया और टारगेरियन आर्मी को भेदने पर सफल भी हुआ। तभी रेनिस ने मेराक्सिस से स्टॉर्मलैंडर्स आर्मी को जलाना शुरू कर दिया, एंड यहां पर आर्गिलेक और ऑरिस बराथियन के बीच में 1-on-1 बैटल होती है, जिसमें ऑरिस आर्गिलेक को मार देता है एंड हरा देता है, एंड स्टॉर्मलैंड्स यहां घुटने टेक देता है। उसके बाद आर्गिलेक की बेटी आर्गेला डुरंडन से ऑरिस बराथियन की शादी करा दी जाती है, और एगोन टारगेरियन ऑरिस बराथियन को स्टॉर्मलैंड का लॉर्ड बना देता है, जिसके अंडर में सारे स्टॉर्मलैंडर्स बैनर सर्व करेंगे, और एगोन ने ऑरिस बराथियन को लॉर्ड पैरामाउंट ऑफ द स्टॉर्मलैंड्स का भी खिताब दिया यहां पर। एंड बाबा, यहाँ लगाते हैं विराम, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, बाकी की बातें नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, जहाँ सबमिशन ऑफ क्रॉकलॉ पॉइंट के बारे में भी बात करेंगे, कॉन्क्वेस्ट ऑफ वेस्टलैंड्स के बारे में बात करेंगे, नॉर्थ का सबमिशन यानी स्टार्क्स का सबमिशन के बारे में बात करेंगे, उसके बाद वेल सबमिशन के बारे में बात करेंगे, एगोन की पहली हार इन्वेजन इन डॉर्न में हुई थी जो, उसके बारे में बात करेंगे। तो
अभी जस्ट स्टार्ट है, नेक्स्ट पार्ट में सिर्फ खून खराबा मिलने वाला है। तो अपना प्यार यूं ही और सब्र यूं ही बनाए रखें, सेकंड पार्ट जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा। दरअसल मैं इस चैनल का अकेला टीम मेंबर हूं, तो मेरे लिए लॉन्ग वीडियो पर काम करना बहुत हैवी हो जाता है। दैट्स वाई मुझे पार्ट्स में वीडियो लानी पड़ती है, क्योंकि साथ में और भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, उन पर भी काम करना जरूरी है, वरना एक ही चीज़ देखकर आप भी बोर हो जाओगे। बाकी यू ऑल आर द वेरी वेरी लवेबल एंड फैंटास्टिक ऑडियंस, लव यू ऑल। तुम लोग बहुत प्यार देते हो मुझे, तो अपना प्यार यूं ही बनाए रखें। यहाँ तक पहुँच गए तो इसका मतलब वीडियो पसंद आई, तो लाइक करो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो पर, जय हिंद।